वेलकम टू हिम तक। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एलाइड प्री एग्ज़ाम पेपर 2016 हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो अपने लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपका रिस्पांस मिलता रहे। और आज जो हम क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है HPPSC का, जो 2016 में एलाइड का एग्ज़ाम हुआ था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल का जो यमुना नदी है उसका वैदिक नाम क्या है? ठीक है, तो यमुना नदी का वैदिक नाम आपको बताना था। ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर है कालिंदी, क्षिपा, पुरुषनी, अश्किनी। ठीक है, ये कौन सा इनमें से सही है, आपको क्या लगता है वो आप बताइएगा। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, ठीक है, ये सही है, कालिंदी इसका ओल्ड ये वैदिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? ऑप्शन नंबर ए है रामपुर, लारची, कांगला, कुगटी। तो आपको बताना था, इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आपको। कमेंट में आप कर सकते हैं, कमेंट वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी है तो आप बताइएगा कि ब्यास नदी और धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में नहीं है? क्वेश्चन नंबर थ्री है, इनमें से कौन सी झील चंबा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? गड़ाशुरू, करेरी, महाकाली, मणिमेश। जो मणिमेश है ये भरमौर में है। ठीक है, महाकाली भी चंबा में है, गड़ाशुरू भी चंबा में है, अब जो करेरी है ये चंबा में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही है। ठीक है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है? आपको ये बताना था इसमें कौन सा पहाड़ी दर्रा है जो कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है। ठीक है, आपको अगर आता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ऑप्शन हम आपको बता देंगे कि कौन सा इनमें से है। ठीक है, तो ये दुलची ये तो दर्रा है, ये कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के निर्मंड इलाके में से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है? ठीक है, जो कुल्लू के निर्मंड है इससे कौन से ऋषि जुड़ा हुआ था, तो आपको वो बताना है। ब्यास है, वशिष्ठ है, परशुराम है, विश्वामित्र है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा वो आपको बताना है। अगर आपको आता है तो वीडियो पर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। जो परशुराम है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं हम आपको। और अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव निम्नलिखित से किससे जुड़ा हुआ? ठीक है, इनमें से किससे जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है और इसका आपको आंसर बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये पद्म संभव, लोभ श्री सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये उपयुक्त सभी, तो इनमें से राइट आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किले किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर सेवन है और 20 क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके बाद जो अगला पार्ट है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, 500 से ज़्यादा अगर आपने लाइक कर दिए तो आपके लिए अलग से एक पार्ट इसका लेकर आएगा, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। आपको जवाब देना था इस क्वेश्चन का, चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? ठीक है, बिलासपुर, मंडी, चिरमौर, चंबा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये चंबा सही है इसका। ठीक है, चमेरा झील जो NHPC का जो प्रोजेक्ट है चंबा में। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ठीक है, बायोग्राफी है एक इनका, जो जज थे ये पूर्व मेहरचंद महाजन, इनकी एक बायोग्राफी है। ठीक है, इसका जो टाइटल था वो क्या था तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर एट है ये और इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लुकिंग बैक। अगला क्वेश्चन है, अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? ठीक है, अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर नाइन और इसके आपको बताना था। ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ मंडी है वो मनमोहन सिंह ने लिखी थी। ठीक है, ये जो मनमोहन सिंह है इन्होंने हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक लिखी थी। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का वो है
यूएस परमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ने 1883 ईस्वी के आसपास चुग आंदोलन की जिसमें कुछ किसानों ने आत्महत्या किया था, किस रियासत में हुआ था? तो ये चुग आंदोलन जो था क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है कहलूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, चुग आंदोलन कहलूर से आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गुग्गा मंडली किस दिन गांव गांव जाकर गुग्गा कथा के गान की शुरुआत करती है, ठीक है। तो आपको इसका बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन ये मंडली गांव गांव जाकर इसकी गुग्गा की जो कथा है उसका व्याख्यान जो शुरुआत करती है, ठीक है, लोगों को बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 1815 में किस जिले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया था, ठीक है। तो आपको इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आता तो आपको हम आपको बता देते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, मालाओ। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यानचंद के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, कल जो हमने नायब तहसीलदार का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2013 का डाला था इस चैनल हिमतक पर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये 2016 का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए आज, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने आपको बताया था, ठीक है। राजा जो अनिरुद्ध चंद था, इन्होंने अपनी बहन का विवाह, ये जो राजा ध्यानचंद थे, इनकी बेटी से करने से मना कर दिया था, फिर इनको रणजीत सिंह से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। अनिरुद्ध चंद जो थे संसार चंद के पुत्र थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, खड़ग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15, और इसका आपको रिस्पॉन्स आंसर देना था वो है क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1840-41 के आसपास लाहौल पर जो सिख है इनका अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 पर चितोंग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूबेदार भीम सिंह, ठीक है। ये इनका जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी बाबा का आश्रम का जन्म स्थान कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आपको आंसर बताना। तो राइट आंसर है इसका गुरनकंड गांव, और ये जिला कांगड़ा में है, ठीक है। और पहाड़ी गांधी का टाइटल इनको किसने दिया था वो भी आपको पता होना चाहिए कि गांधी का जो टाइटल था वो बाबा काशीराम को नेहरू द्वारा दिया गया था, ठीक है। और अब कांगड़ा से है तो ये कन्फ्यूज़न जो थी आप में, अगर आपको एग्ज़ाम में आता तो ये हेदड़ी गांव और गुरकंड गांव में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मौललक सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1878 ईस्वी में, ठीक है, ये बनाया गया था, किसने बनाया था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है, ये आपको बताना था। और आपको पता होगा कांगड़ा की जो जनसंख्या है वो हिमाचल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है लाहौल स्पीति का, आपको ये पता होना चाहिए, सबसे कम है हमीरपुर का और सबसे ज़्यादा है लाहौल स्पीति का, सबसे अधिक जनसंख्या कांगड़ा में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5739 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिया था, क्वेश्चन नंबर 20, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। हम आपको अगले पार्ट में इसका आंसर बता देंगे, आपको बताना है, ठीक है। अकबर ने दिया, जहांगीर ने दिया, शाहजहां ने या औरंगजेब ने, तो ये आपको बताना था। और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है।
वीडियो को आप लाइक करिएगा, उसके बाद जो अगला पार्ट है वो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज के जो आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपने वो क्वेश्चन पढ़े तक नहीं होगी जो आपको पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आपने पिछला जो पेपर देखा होगा उसमें भी मैक्सिमम इसी में से क्वेश्चन आए हुए थे, और आज जो हम पेपर लेकर आए ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो इट मीन्स कि इसी से आपको आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 20 में से अगर आपको 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आपको पता होता है तो आपके बहुत काम आ सकते हैं ये। तो हिम तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बने रहिएगा मेरे साथ हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। चैनल